बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज इनको पागल समझकर खेत की तकवारी रखवारी में लगा दिया भरत जी को, जो अंगिरा वंशीय ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। भगवान का भगत सदैव परमार्थी होता है। आज इन्होंने सोचा कि बढ़िया ड्यूटी मिली है, ऐसे ऐसे लगे बुलाना पक्षियों को चिड़ियों को। राम दिचनिया राम दखे अभा को चिड़िया भर आज बुलाने लगे। खूब अन्नदाता किया है नारायण, आज पक्षियों ने खूब आशीर्वाद दिया कि जाओ सदा खुश रहो चिरंजीव रहो। और वहां से जब इनके भाई ने देखा कि आज यह पागल पूरे खेत को ही लुटा रहा है, तो आज इनको मार कर भगा दिया, घर से बाहर कर दिया। सदा स्मरण रहे, अगर प्यारे भगवान शंख चक्र गदा लेकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगे तो आप मूर्छित हो जाओगे। आप इन लौकिक नेत्रों से कभी भी भगवान भगवती का दर्शन कर ही नहीं पाओगे। उनकी दर्शन के निमित्त भगवान की कृपा से आपको भगवान पारलौकिक नेत्र प्रदान करते हैं। क्या कारण है कि पहले के ऋषि मुनि महात्मा नेत्र बंद करते थे और पूरा दृष्टांत वृत्तांत दर्शन करके मुख से बोल देते थे। नारायण ये लौकिक नेत्र संसार के लिए और पार लौकिक नेत्र भगवान की महत्ता उनकी गुणानुवाद के लिए प्राप्त होता है। किसी ने कहा महाराज जी हम तो भगवान का दर्शन करा सकते हैं। हम कहा हाँ भैया कहे नहीं करा सकते, कहे कराइए, हम कहा आंख बंद करिए। आंख बंद किए कुछ देर ऐसे ऐसे दबाए थे, हम कहे भैया कुछ हो रहा है, कहे नहीं। हम जो मटर तलवाने के लिए घर पर छोड़ आए हैं हमको उसी का स्मरण आ रहा है। अब बताइए लौकिक नेत्रों से उनको मटर स्मरण हो रहा है, कहे हमको विश्वास नहीं है। हमने कहा भैया ही बताओ जर्मनी जापान गए हो का, कहे नहीं हम तो नहीं गए, हमारा वीजा पासपोर्ट ही नहीं बना। हमने कहा भैया जब वीजा पासपोर्ट बनवाए ही नहीं हो, जर्मनी गए नहीं हो, क्या जर्मनी जापान है नहीं क्या, ये बताओ कि हमें सामर्थ्य नहीं है, हम वहां जा नहीं सकते। वहां जाने के लिए यह गुण साधन ते नहीं होई तुम्हारी कृपा पाप हुई हुई। जब भगवान कृपा करेंगे तब जाकर आपको नारायण वह पारलौकिक नेत्र प्राप्त होगा। कहे महाराज समझ में नहीं आया। हम कहे भैया आपका नाम क्या है, कहे हमारा नाम रामचंद्र है। हमने कहा पिताजी का नाम कहे सीताराम। हम कहे उनके पिताजी का नाम, थोड़ी देर से आंख मिल मिलाए और कहे बद्री प्रसाद। हमने कहा उनके पिताजी का नाम, कहे महाराज हमको इतना याद नहीं है। हमने कहा जब अपने कुल की चार पांच पीढ़ी अपने पूर्वजों कुल ऋषियों अपने कुल गोत्र का नाम स्मरण नहीं है प्यारे, तुम क्या भगवान का दर्शन करोगे। भगवान का दर्शन करने के लिए समर्पण त्याग पारलौकिक दृष्टि आवश्यक। तो कहने का तात्पर्य ये नारायण कि भगवान का भक्त सदैव परमात्मा होता है। दूसरे का हित कैसे हो वो सदा यही प्रयत्न किया जाता है। आज वही परमार्थ करके फसल को लुटा कर खिला कर पक्षियों को उनका आशीर्वाद चिरंजीव रहो प्राप्त करके चले हैं। और जंगल में एक भद्रकाली के
मंदिर के सम्मुख कुछ दस्युओं द्वारा एक पशु जो बलि के लिए पकड़ कर लाया गया था, बांधा गया था, आज उसने ग्रंथ तोड़ कर नारायण वहां से वह भाग गया। और वहां जब भागा उस दस्त के सिपाहियों ने पागल और बौरहे से जीत रहे इन भरत जी को ही आज पकड़ कर बलि देने के लिए प्रस्तुत कर दिया। कहने का तात्पर्य नारायण भगवान आपको शरीर दर्शन दे और आप इन नेत्रों से देख लो, यह कदापि संभव नहीं। अगर आपके जीवन में कोई गरीब, कोई दीन, कोई दुखी किसी भी हाल में आ जाए, किसी रूप में, किसी स्वरूप में आ जाए, अगर आपने उसके भीतर अपने इष्ट, अपने भगवान का दर्शन कर लिया, तो भगवान आपको अपनी कृपा अवश्य प्रदान करेंगे। आज दस्युओं ने इनको बलि देने के लिए जैसे ही इनके शीश को काटने के लिए नारायण खड्ग उठाया है, ब्रह्म तेज से दग्ध हो काली अति अतुला रूप भयंकर प्रकट कर बारंबार। आज मैया भद्रकाली प्रकट हो गई और जिसने खड्ग उठाया था मैया भद्रकाली ने अपने एक खड्गे के प्रहार से आज उसके सिर को काट कर जमीन पर इस धराधाम पर गिरा दिया। बोली काली मैया की सीम की चापी सकई कोतासु अब बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके भगवान ही रक्षक हो प्यारे उसका कौन बाल बांका कर सकता है। प्राण रक्षा जब हुई आज ये चले जा रहे मौन होकर, क्योंकि भगवान का भक्त आज इनको स्मरण है कि मेरी तपस्या खंडित हुई थी, आज इसलिए मौन है, बोले ही नहीं है नारायण। जब से इन्होंने जन्म लिया है उस अंगिरा वासी कुल में मौनम शाक्ति ही देवा। अगर देवताओं को भी, अपने इष्ट, अपने गुरु को भी आपको साथ लेना है, साधु से स्वभाव प्राप्त करना है, तो नारायण आप मौन रहिए। कहीं मिथ्या भाषण हो रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा, फसाद हो रहा, आप मौन हो जाइए। अगर आप मौन हो गए तो जज लीजिए आप सद जाएंगे, साधक बन जाएंगे। आज ये मौन है, चले जा रहे हैं और उसी समय नारायण सिंधु सौ वीर देश का राजा जादूगण मानव जीवन लेने का क्या कारण है, किस कारण मानव जन्म मिला है, तत्व ज्ञान की जिज्ञासा के लिए आज भगवान कपिल के आश्रम की ओर चला जा रहा है और मार्ग में ये मिल गए। संयोग बस नारायण उनकी पालकी के एक ही कहा कि तबीयत और उसका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। कहानों ने देखा कि ये पागल सा आदमी चला जा रहा है, हट्टा कट्टा है, आज उन्हीं को पकड़ कर उस पालकी में एक कहार की जगह जोत दिया। अभी बेचारे बोल नहीं रहे, चले जा रहे हैं। जैसे ही नारायण कोई चींटी, कोई जीव इनके चरणों के नीचे आने को होता, ये बड़ी जोर से उछलते और उछलने के कारण उस पालकी में बैठे महाराज रघुगण बड़ी जोर से चींटी थे। अरे कहां रे, तुमको पता नहीं है कि एक राजा की पालकी को कैसे ले जाते हैं।
बड़ी जोर की डांट लगाई। पुनः चले नारायण, कुछ दूर जाने के पश्चात पुनः कुछ जीव इनके पैरों के नीचे आने को हुए। ये पुनः छलांग मार दे, और जब छलांग मारे तो उस पालकी से उतर कर राजा रघुगण ने आज अपनी म्यान से तलवार निकाला और कहा, कौन सा कहार किसके कारण आज मुझे यह दुख प्राप्त हो रहा। कहारों ने कहा, प्रभु एक कहार की तबीयत अचानक बिगड़ गई, इस पागल को हम लोगों ने आपकी पालकी में झूठ दिया, इसी के कारण यह आपको दुख प्राप्त हुआ। आज महाराज रघुगण ने उनको मारने के लिए खड्ग निकाला और कहा, क्या तुझे पता नहीं है कि मैं एक राजा हूँ? राजा के पालकी को कैसे लिया जाता है, कैसे उठाया जाता है? ऐसे बच्चों को सुनकर जन्म से ही मौन उन जड़ भरत जी ने आज नारायण सत्य शब्द का उद्घोषण किया और सच्चिदानंद भगवान को अपने अंतःकरण में दर्शनोपरांत महाराज रघुगण से कह रहे हैं, हे महाराज, इस स्थूलता आदि व्याधि भूख प्यास भय इच्छा अनिच्छा अभिमान दंभ ये शरीर के लक्षण है, आत्मा के नहीं। आपने कहा कि मैंने पालकी को गलत तरीके से उठाया। नारायण, आज्ञा तो सेवक को देनी चाहिए। न आप मेरे राजा हैं, न मैं आपकी प्रजा हूँ, न मैं आपका सेवक हूँ, न मेरे आप स्वामी हैं। फिर आप मुझे क्यों कर रहे हैं? मैं कोई शरीर नहीं, ये स्थूलता व्याधि शरीर के लक्षण है, मैं एक आत्मा हूँ और उसमें लोग किया करता था। आज ऐसे कूड़े बचनों को सुनकर जिस तत्व ज्ञान की अभिलाषा में प्यासे महाराज रघुगण कपिलाश्रम की यात्रा कर रहे हैं, नारायण वही तत्व ज्ञान, उसका उपदेश, उसका एक दर्शन जैसे ही जड़ भरत जी के मुख से प्राप्त किया, आज लालायित हो गए, जाग गए, सुप्तावस्था को त्याग कर नारायण केवल रात को सोना ही सोना नहीं है, भगवान से विमुख होना, अपने कर्तव्यों की विस्मृति होना भी सोने के समान है। नारायण जागा तो वह है जो भगवान के निकट है, जो भगवान के सम्मुख है, और जो भगवान के सम्मुख है भगवान उसे सदा अपने निकट रखते हैं। आज राजा रघुगण कह रहा, काष्पम निघूढस चरसि बिजान बिमरसि सूत्रम कर्मो वधूत कास्यासि पुत्रस्य इहापि कस्मात् अक्षेमायश्चेद सिनोदशुल्कः। भागवत महापुराण के इस पवित्र श्रीमद् भागवत रूपी महाग्रंथ के पंचम स्कंद के दसवें अध्याय के सोलहवें श्लोक में आज उसी तत्व ज्ञान को जानने का प्रश्न महाराज, जो पहले के भरत, उसके बाद मृग और आज अंगिरावासी ब्राह्मण कुमार और आज बुद्ध से जड़ दिख रहे महाराज जड़ भरत सम्मुख प्रस्तुत किया। आज वह कह रहा, आप कौन हैं? आप कहां से आ रहे हैं?
हे प्रभु मैं जानना चाहता हूँ कहीं आप मरीच्याद ऋषियों में तो नहीं है, कहीं आप भगवान दत्तात्रेय कोई अवधूत तो नहीं है, या भगवान कपिल ने मुझ पर कृपा करके मेरे पुण्योदय के कारण मुझे मार्ग में ही उस तत्व ज्ञान को प्रदान करने के निमित्त आज दर्शन दिया। सुंदर वचन को सुनकर बड़े प्रशंसनीय जन भरत जी आज महाराज रघुवन कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देव मैं आपकी शरण में हूं, मैं न वज्र से डरता हूं न किसी भय से डरता हूं, न मेरा कोई दुश्मन मेरा अहित कर सकता है, न मैं वायु न वेग से डरता हूं न अग्नि से डरता हूं, अगर डरता हूं तो केवल ब्राह्मणों के शाप से। क्यों? तप बल भी प्र सदा बरियारा, 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 इनके को नको रखवारा, इनके को बीबी प्रशाप पिनु सुन महिपाला, प्रशाप पिनु सुन महिपाला, तोर नास एक मानव है, नहीं को जन माचक माही, नहीं को माचक माही, नहीं को जन माचक माही, नहीं को हे महाराज सुनिए, जो गायत्री संध्या करे जो तप करे जो तप साधन करे प्राणायाम करे शत ग्रंथों का पाठ करे सत्य भाषण करे सदचरित्र का अनुसरण करे सद्ज्ञान प्राप्त करे परमार्थ करे सत्पंथ पर चले, कभी भी ऐसे ब्राह्मण के कोप का भाजन नहीं होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि नारायण वहां परमार्थी होता है। नारायण वह निष्काम उपासना करता है। सकाम और निष्काम दो प्रकार के संकल्प शास्त्रों में बताए गए हैं। अगर आप किसी कामना से कोई कार्य करेंगे तो भगवान की भक्ति और आपके पुण्य के कारण वह सकाम संकल्प भगवान आपका अवश्य करेंगे। लेकिन जो केवल निष्काम कर्म करता हो और अपने सारे कर्मों को सारे सत्कर्मों को भगवान को समर्पित करता हो, सदैव ऐसे ब्राह्मण ऐसे विप्र ऐसे ऋत्विज ऐसे क्षत्रिय ब्रह्मज्ञान ब्राह्मण की आशीर्वाद वचन की कामना करनी चाहिए। क्योंकि उसकी जीवन की बागडोर नारायण उसके हाथों में नहीं, उसके नारायण के हाथों में होती है। आज राजा रघुगण को तप तप ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं, हे राजा ने सुन, आहार निद्रा आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य पीत पशु विराण। अर्थात आहार भोजन निद्रा शयन मैथुन क्रिया और भय, ये मनुष्य और पशु के समान लक्षण है। ये दोनों में विद्यमान होते हैं। अब आखिर तुलना कैसे की जाए कि कौन मनुष्य है और कौन पशु है? तो कह रहे हैं, धर्म ही ते साम अधिको विशेष अधर्म नहीं पशु भी समान, धर्म नहीं पशु भी समान। एक धर्म ही है प्यारे, जिसके कारण पशु और मनुष्य में भेद है। आप जो प्रदान कर दोगे पशु खा लेगा, मनुष्य भी उसको खाएगा, उसका भक्षण करेगा। लेकिन एक धर्म के कारण अपने सत्कर्म के कारण ही पशु भगवान कहते हैं कि मैंने नाना प्रकार के जीव जंतुओं को रचा पैदा किया है। लेकिन सबसे अधिक मनुज मुझे भाई है और ऐसा मनुज नहीं नारायण जो नास्तिक हो, जो धर्म पथ पर हो सत्कर्म कर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है। वैपदे बन्धमोक्षाय नाम ममेति ममेति च ममेति बन्ध्यते जन्तुर् ममेति प्रमुच्यते। गरुड़ पुराण का श्लोक, मैं अर्थात यह कथा मेरी है, यह बंधन और यह कथा भगवान के भक्तों की है, भगवान की है। नारायण यही तो मोक्ष का कारण है। जब मेरा मन संसार में रमण करे तो वह बंधन है और जब वही मन भगवान भोलेनाथ भगवान की कथा भगवान की किशन को पान करके उसी में रमण करे तो वह मोक्ष का कारण बनता है। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो वधूत तद्विज बन्धुलिंग अनिगूढ़ नित्याभुवभावतुभ्यम। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के बारहवें अध्याय के नवें श्लोक में आज उनको तत्त्व ध्यान प्रदान कर दिया, उन पर कृपा कर दी।
और उस कृपा को प्राप्त करके नारायण आज राजा रघुगण इतना प्रसन्न हुआ और हर हर जोड़ कर कह रहा है प्रणव सबहि धर धर सीसा प्रणव सबहि धर धर सीसा करम कृपा जनी जानी सा प्रणव सबहि धर धर सीसा प्रणव सबहि धर धर सीसा करम कृपा जनी जानी मुनीसा निर्मय मन जन चल चित्र न भावा निर्मल बन जन व्यापक अजित अनंता हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुति सब संता अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता जिन प्रभु का न आदि है न अंत है नारायण जिनको हम नहीं प्राप्त कर सकते हम केवल उनकी शरण में जाएं आर्त और कारुण्य भाव से तो वो प्रभु ही हमको अपना वरस वरत हस्त करने स्वीकार कर लेते हैं ऐसे भगवान कि परम भक्त आज जड़ भरत जी तत्व ज्ञान दे कर आज महाराज रघुगण को तृप्त कर दिए नारायण जन एक दृष्टांत लेते चलते ये जो राजा रघुगण है ना आपने अभी पूर्व अभी कुछ देर पूर्व जड़ भरत जी की कथा सुनी ना उसके पूर्व मृग योनि में आपने सुना कि अंत काल में भी यहां मृग सावक का ध्यान और पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान उनको मृग योनि प्राप्त हुई थी और जो हिरणी के शावक के कारण आज उनकी तपस्या खंडित हुई थी दैव योग से स्कंद पुराण के केदार खंड में ऐसा वर्णन आया है कि ये जो राजा रघुगण है ना जिसको तत्व ज्ञान की प्यास है जिसके कारण भरत जी की तपश्चर्या खंडित हुई गंडकी नदी के किनारे ये वही है नारायण वही शावक ऐसा स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णन आया है हे नारायण भक्त श्रीमद् भागवती आरता
सुराणाम दुर्लभा। ये देवताओं के लिए दुर्लभ, उनको प्राप्त नहीं है नारायण। ये प्राप्त किसको है? भगवान के एक भगत को। दुर्लभ मानव जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झरे, बहुर न लागे रार। आपको भगवान का दर्शन नारायण किसी तीर्थ में नहीं होगा। अगर आपको भगवान का साक्षात्कार करना है नारायण, उस पर ब्रह्म परमात्मा को स्वयं के सत्कर्मों और अपने पंथों के बल पर इसी शरीर में आप अनुभूत कर सकते हैं। हे भगवान के भक्तों,